हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम खजूर के दो आइटम्स बनाएंगे, एक है खजूर रोल्स और दूसरा है चॉको पॉकेट्स। यस, जिसमें हमने खजूर की ही लेयर बनाई है और उसके अंदर गनाश डाला है। सो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। बट आप मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि मैं खजूर से होने वाले फ़ायदे भी बताऊँगी आपको। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितने खजूर लिए हैं, जिसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा खुरदुरा रखना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे, इसको गर्म करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून जितना मैं घी ऐड करूँगी। और ये हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने आधा कप जितने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसको 1 मिनट तक चला लीजिए। अब मैं इसमें पिस्टैचूज डालूंगी। पिस्ता लिया है मैंने 1 टेबलस्पून जितना लिया है, और 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको एकदम अच्छे से चला लीजिए। ये खसखस डाला है जिसको मैंने ऑलरेडी भून लिया है हल्का सा, 1 टेबलस्पून जितना। आप उसमें वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और जो खजूर हमने पीस ली है उसको ऐड कर लेंगे। उसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, मीडियम फ्लेम पर आप इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जब तक ये पूरा एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। गैस बंद कर लीजिए, इसको एक बर्तन में निकाल दीजिए, प्लेट में निकाल दीजिए, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। बिकॉज हम यहाँ पर दो रेसिपी बना रहे हैं, सो यहाँ पर मैंने दो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो अब एक फॉइल पेपर को हम एक अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसको बटर से ग्रीस किया है मैंने, और उसके ऊपर मैं एक बॉल रख लूंगी खजूर की, और इसको भी ग्रीस करेंगे। और हल्का सा प्रेस करते हुए इसको स्क्वायर शेप में मैं रोलर की सहायता से इसको बेल दूंगी, मैं बेलन की सहायता से। आप उसका स्क्वायर शेप बनाए ताकि एकदम अच्छे से इसका आप रोल कर सके। बहुत ही पेशेंसली करना है आपको, और हल्का सा पतला रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेटेड कोकोनट लिया है, ड्राई कोकोनट, उसको इस पर मैं स्प्रिंकल कर लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स है वो भी मैं ऊपर से इस पर डाल दूँगी। अब हम फॉइल को थोड़ा सा हल्के से रोल करते हुए फॉइल की सहायता से ही इसको शेप देना है, और लिटिल टाइटली उसको सिलिंड्रिकल शेप देना है। देखिए, बेलनाकार शेप देना है इसको। हल्का सा प्रेस करते हुए दीजिए, और आप चाहो तो यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हो। और उसके कॉर्नर्स एकदम अच्छे से प्रेस कर लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर फिर से इसको ग्रीस कर सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल को। और ये खसखस मैंने स्प्रेड की है, और उसके ऊपर इसको मैं रोल कर लूंगी ताकि खसखस पूरा अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर। अब हम इसको फॉइल में ही रैप कर लेंगे के कॉर्नर्स भी एकदम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और 1 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको निकाल कर एकदम अच्छे से काट लेंगे इक्वल शेप्स में और इक्वल डिस्टेंस पे। आप थोड़ी सी शार्प नाइफ लीजिए। देखिए, अब इसका जो फॉइल है हम उसको निकाल देंगे उसके कॉर्नर से। तो ये देखिए, हमारा रोल तैयार हो चुका है। इट लुक्स सो गुड, किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को तो जरूर खिलाना है। सो इट्स वन थिंग कि हम इस तरह से बना सकते हैं। अनदर वे इज दिस, यहाँ पर मैंने 1/2 कप ड्राई फ्रूट लिया और 1/2 कप मैंने गनाश लिया। गनाश की रेसिपी आप देख सकते हो मेरे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर फिर से ग्रीस करेंगे चॉपर को। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। और ये अनदर पार्ट लेंगे, ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अगर वो ठंडा हो चुका है तो आप इसको गर्म कर लीजिए हल्का सा। और इसको भी हम फिर से स्क्वायर शेप देंगे एकदम अच्छे से बेलते हुए। डू इट पेशेंसली, इसको ग्रीस करते हुए बेलना, और इसको इक्वल पोर्शन में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज्जा कटर की हेल्प ली है।
बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट शेप्स. हम लोग यहाँ पर अलग अलग शेप्स बनाएंगे जिसमें कि गनाश फिल करने वाले हैं. सो यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट शेप्स है. एकदम आराम से निकालिए उसको. यहाँ पर मैंने गनाश की बॉल बना दी है और उसको फ्रिज में रखा था 5 मिनट के लिए. तो बहुत ही अच्छे से बनाइए और एक एक लेयर लेकर आप उसके अंदर गनाश फिल करके आप अपना पसंदीदा शेप दे सकते हैं उसको. लुक एट दिस, इट लुक्स सो गुड. और ये एक तरीका है जो बच्चों को तो पसंद आएगा ही और आपको भी पसंद आने वाला है. सो ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए सर्दी के मौसम में. इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं. फ्रेंड्स, खजूर खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे तो होते ही है. इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है. बट आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और भी फायदे मैं बता रही हूँ. इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है, त्वचा पर निखार आता है और फ्लोरिन मिनरल होने की वजह से ये दांतों की समस्याओं को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो बुरा बैड कोलेस्ट्रॉल को, और शरीर में खून की कमी नहीं होने देता. ये चीज़ें खजूर से हमें फ़ायदे मिलते हैं इन चीज़ों के. तो ज़रूर खाइए. थैंक यू.